Welcome to CR International School online classes. How are you student? I think everyone is fine there. Take care of yourself, beta. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा कर रखिए, बार बार हैंड सैनिटाइज और हैंड वॉश कीजिए. ओके बेटा. बेटा क्लास कौन सी है आपकी? क्लास फर्स्ट. सब्जेक्ट कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? कौन सा सब्जेक्ट है ये? इंग्लिश. इंग्लिश में हमारा लेसन नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम क्या है? क्या है लेसन नंबर 5? आई हैव अ नोज, यानी मेरी एक नाक है. ओके, इसकी हमने रीडिंग की थी, वर्ड मीनिंग भी किए थे. आज इसी लेसन के हम क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर. ओके, जो कि कौन से पेज पे? पेज नंबर 32 पर. कौन सा पेज नंबर ये? 32 पेज नंबर 32. ओके, तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे, पेज नंबर 33 ओपन करेंगे और मैम के साथ साथ इस वर्क को करेंगे. ठीक है बेटा, क्या है इस लेसन का नाम? आई हैव अ नोज. ठीक है, आपने इसके आंसर खुद से देने हैं. अ नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आंसर मींस क्या होता है बेटा? उत्तर. आंसर मींस उत्तर. मैम ये हमेशा लिखवाती हैं, आपने अब इसको याद कर लेना है अच्छे से. फॉलोइंग मींस निम्नलिखित, यानी नीचे लिखे गए. क्वेश्चंस मींस प्रश्नों, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के क्या देने हैं? आपने उत्तर देने हैं. ओके, नंबर 1 देखेंगे. हाउ मेनी मींस कितने. कितने, हाउ मेनी मींस कितने. इयर्स यानी कान. इयर्स यानी कान, यानी एक से ज्यादा. हैव यू आपके कितने कान हैं? कितने हैं गिनिए. 1 2 कितने हैं? 2. तो क्या लिखोगे? 2. तो कैसे लिखोगे इसका आंसर? अगर मैं आपको पूछ रही हूं तो आप तो अपने आप को आई बोलोगे ना. लिखो आई हैव, कितने कान है, कितने ईयर से? 2. TWO 2 ईयर्स, EARS ईयर्स. आई हैव 2 ईयर्स, मेरे 2 कान है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच बॉडी पार्ट हेल्प्स यू टू स्मेल. विच मीन्स कौन सा बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट मीन्स शरीर का भाग. हेल्प्स यानी मदद. हेल्प्स मीन्स मदद. बॉडी मीन्स शरीर, पार्ट मीन्स भाग. कौन सा शरीर का भाग है जो मदद करता है यू टू स्मेल. स्मेल मीन्स सूंघना. कौन सा बॉडी का पार्ट है जो कि सूंघने में मदद करता है? किससे सूंघते हो आप? अच्छी खुशबू आ रही उसको सूंघते हो, गंदी बदबू आ रही उसको सूंघते हो. किससे पता चलता है आपको? अपनी नोज से. तो क्या आएगा इसका आंसर? नोज. क्या आएगा? नोज. NOSE नोज हेल्प्स अस टू स्मेल. ओके, नोज हेल्प अस टू स्मेल. नोज हमें सूंघने में मदद करता है. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स. हैंड्स मींस हाथों से. हाथों. व्हाट मींस क्या. व्हाट मींस क्या. डू यू डू करते हो. विद के द्वारा. योर मींस आपके. आप अपने हाथ के द्वारा क्या करते हो? क्या करते हो बताओ? क्या करते हो अपने हाथ से? काम करते हो ना, जैसे कि मैम बोर्ड पे लिखने का काम कर रही हैं. करते हो तो क्या लिखोगे? आई वर्क विद माय हैंड्स. आई वर्क विद माय हैंड्स. मैं अपने हाथ से क्या करती हूं? काम करती हूं. आप भी अपने हाथ से काम करते हो ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. विच बॉडी पार्ट हेल्प यू टू वॉक एंड रन. वॉक मींस चलना और रन मींस दौड़ना.
दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना, ओके, विच मीन्स कौन सा, हिंदी लिखना है सबने बुक के अंदर, कौन सा बॉडी पार्ट यानी शरीर का भाग, हेल्प मीन्स मदद, यू टू वॉक एंड रन, कौन सा शरीर का ऐसा भाग है जो कि आपको मदद करता है वॉक यानी चलने में, और रन मीन्स दौड़ने में, चलने और दौड़ने में कौन सा शरीर का भाग है जो कि मदद करता है, किससे आप चलते हो और दौड़ते हो, किससे, अपनी लेग से, है ना, तो क्या लिखोगे, फिट, एफ डबल ई टी, फिट, हेल्प, हेल्प अस टू, क्या आएगा क्वेश्चन में से, वॉक एंड रन, ये क्वेश्चन में से ही आया है, फिट हेल्प अस टू वॉक एंड रन, हमारे पैर जो हैं वो हमें दौड़ने में और चलने में मदद करते हैं, ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट डू यू डू विथ योर टीथ, व्हाट मींस क्या, व्हाट मींस क्या, डू यू डू, आप करते हैं, विद मींस के द्वारा, योर आपके, टीथ मींस दांतों, आप अपने दांतों के द्वारा क्या करते हो, क्या करते हो दांतों से, क्या करते हो, अपने दांतों से आप बाइट करके खाते हो, खाते हो ना, तो फिर क्या लिखोगे, आई बाइट, बी आई टी ई, आई बाइट विद माय टीथ, किससे करते हैं, टीथ से करते हैं ना, टीथ, ओके, आई बाइट विद माय टीथ, ओके बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर 5 बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, सभी बच्चों ने इन क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे से समझना है, वीडियो में देखकर समझना है, याद करना है, और अपनी बुक में पेज नंबर क्या बताया मैम ने, देखिए बोर्ड पर 32, पेज नंबर 32 में बहुत सुंदर तरीके से राइट करना है, राइटिंग का सभी बच्चों ने स्पेशल ध्यान रखना है, राइटिंग ब्यूटीफुल करनी है, और आपने हिंदी भी लिखनी है, और मैम को चेकिंग के लिए वर्क सभी बच्चों ने बहुत जरूरी भेजना है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, टेक केयर।